बच्चों में ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा। और फरीद था, हाँ। याद है तुमको, फरीद घूमता रहता था, वॉक करता रहता था। अच्छा तो क्या बोलते, मैं चाह रहा था कि हम लोग अपने के पास बताएं कि मैं बात करें। अभी ये वाली मिस्ट्री मत बताओ। नहीं 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 बता रहे। तो हम बताना चाह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक यू नो के लाइक आप लोग सब बच्चे थे, एंड देन लाइक यू नो फिर देन यू आर सेइंग दैट लाइक आप लोग आप लोग आपकी अर्ली मेमोरी से जैसा क्या अरे सब आ रहे हैं, फिकर मत करो, सबकी वीडियो आ रही है। फोन भी चार्ज करूंगा, मम्मी को बैठने दे, मैं चार्ज करूंगा, मैं चार्ज करूंगा कोई बात नहीं है, सब आ रहे हैं। बात करेंगे सब, सब आएगा यूट्यूब लाइव पे। क्या है, क्या क्या सर्च करो, एस दलाल मुझे लिंक दे दो, आई थिंक कैसे सर्च करें। अच्छा वो करेगी ना भाई ये ना ना, हाँ रख दो बेटा जरा सा घाम के ना, वो खाएगी ना तो बुला लो। हाँ तो शुरू से बताएं, जैसे आप लाइक अब छोटे थे लाइक यू नो। अच्छा तो यू नो हम लोग जैसे छह बहन भाई थे जी, हाँ तो उसमें से दो तो बहुत बचपन में गुजरते हैं, तो सबसे बड़ी थी शाकिरा को, फिर थी इनायत, इनायत के बाद इनायतुल्ला, फिर थे जफरुल्ला, फिर दो बहन भाई थे उसमें से, मुझे नहीं पता कि कौन छोटा था कौन बड़ा, बट बहन का नाम था साता और भाई थे नसरुल्ला और देन लास्टली मी। नहीं तो या सो फिर वो तो दो गुजर गए बचपन में, कोई बीमारी से कुछ एक्सीडेंटली और समथिंग लाइक दैट आई हर्ड यू नो। फिर और अब्बा हमारे, अम्मा तो खैर जॉब नहीं करती थी यार वो यू नो, लेकिन शी वाज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत रईस घराने की थी, और उनके जो वालिद थे ना अम्मा के वो हाफिज थे और खतीब थे, आपको खतीब थे हाँ, खुद यानी खुतबा देने वाले बहुत पढ़े लिखे। दादी की बात कर रहे हैं ना, दादी के अब्बा की, दादी तो हमारे, हमें दादी का तो वो शिजरा है ना लाइक लाइक वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के डायरेक्ट भाग छिड़ी थी और फिर लाइक ना फिर वो ऐसी बात निकली क्या बोलते हैं, दादी का और फिर दादा का क्या है, दादी का बता रहे थे तो बताओ। हाँ तो फिर वो जब हमारी हमारी अम्मा या तुम्हारी दादी जब 4 साल की थी तो उनकी वालदा गुजर गई, और जब 10 साल की हुई तो वालिद गुजर गए, लेकिन 10 साल की उम्र तक उन्होंने उनको 9 सिपारे हिफ्ज करा लिए थे अम्मा को ना, तुम्हारी दादी को। तो वही अभी जैसे कुरान शरीफ का तो ऐसा है कि आप 2-3 सिपारे पढ़ लो तो वो रिपीट होते रहते हैं ना, जैसे अल्फाज सारे, तो हम लोग कहीं भी बैठ के पढ़ते थे ना और गलती करे तो अम्मा हमको वहां से बगैर कोई देखे करे, शी वुड करेक्ट अस बिकॉज़ शी न्यू द कुरान सो वेल ना। और बहुत उनकी जैसे आप लोगों ने तो उनको ज्यादा देखा नहीं, लेकिन शी वाज अ वेरी पायस वेरी ऑनेस्ट यू नो, जो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खैर उनके तो बराबर कोई नहीं होता, बट उनकी डिसेंडेंट के वो बिल्कुल लायक क्वालिटी है ना, हाँ वैसी क्वालिटीज थी, बहुत साबिर थी, बे इंतहा सबर किया उन्होंने लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आई, और वेरी स्वीट लेडी, बचपन से उनकी दादी वगैरह कहते थे
कि वो इतनी इतनी सबको मदद करती थी, बोले मामू माँ एक दिन तो तुम अपने कपड़े भी किसी को देकर आओगी करके ना। और उनका हमेशा कहने का था, एक उनका फेवरेट जुमला था कि करो मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे मरी पर। कभी किसी को उन्होंने तकलीफ नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी की गिबत नहीं, किसी के गुस्सा नहीं। तो लाइक शी वाज द ट्रू पर्सनिफिकेशन ऑफ द लिनियज शी केम फ्रॉम, यू नो। या बहुत बहुत, और यू नो कहते हैं ना कि नौ चीजें हैं जिसमें से आप जन्नत में जाते हो जब गुजरते हो, क्योंकि वो शहादत की मौत होती है, और उसमें से एक जो है वो बेड सोर्स है। और उनको इतने वो बेड सोर्स बहुत बहुत साबित थी ना, तो उनके जैसे उनकी ये छह औलादे थी। और शी वॉज बॉर्न इन भरूच गुजरात, भरूच और अंकलेश्वर में बड़ी हुई। वो वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी फूफी दादी ने उनको संभाला, फिर वो दादी का भी जल्दी इंतकाल हुआ तो फिर फूफी ने उनको पाला, अपनी फूफी चार बहन बड़ी घर में। और बहुत उनके घर का माहौल बताती थी कि they were not allowed to read novels or anything, you know. तो कहने हम ऐसे बचपन में तो सभी मस्ती वाले होते ना, तो कहने लगी कि हम ऐसे किताब के अंदर नावल छुपा के पढ़ते थे कि लोगों को पता ना चले करके। और she came from a very rich family, उनके वहाँ आम के बागात थे और बहुत उनको जहेज में भी मिला कर आई, you know. तो फिर अब्बा से उनकी शादी हुई, you know, और then अब्बा की हमारे वाले जो थे वो उसमें थे पुलिस केस में। और उस जमाने में ब्रिटिश का दौर था ना, तो उस जमाने में कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब मिलना बोले तो बहुत जाता था, इट वाज अ क्या बोलते हैं प्रेस्टीजियस जॉब होती थी यार। तो खैर दादा तो हमारे थे ही उसमें, उन्होंने तो वो ही वो सब बार बैरिस्टर थे ना, लंदन से पढ़े थे। And he was knighted by the queen, you know. तो उनको वो खिताब मिला था, तो he was known as Sir Ali. तो फिर वो अब्बा की जॉब की वजह से वो काफी मुख्तलिफ जगहों पे घूमना होता था, because he was in the police department. जो मतलब दुनिया बहुत होती थी इधर जा उधर जा। But finally in 1949 they came permanently to Pune. और वहाँ पे फिर हम लोगों की तालीम शुरू हुई। इनायत जफर और शाकिरा, यू नो दे वर लाइक वन टू इयर्स अपार्ट, में जाते थे पर बाकी उसके। तो पुणे में आके अम्मा ने सबको एक साथ एक ही क्लास में जैसा डाल दिया था किंडरगार्टन, यू नो। तो कोई छोटा था कोई बड़ा था, लेकिन जब मैट्रिक किए तो वो सब सेम एज थे, यू नो। इनायत जफर और शाकिरा मतलब ऑल थ्री सेम एज के थे ना। तो बस फिर वहाँ से पुणे में सब क्या नाम अपना पले पड़े, फिर सबकी जैसे शादियाँ शुरू हुई। तो शाकिरा की सबसे पहले शादी हुई जो कि जमीन के खानदान में हुई, इनके डैडी के तो फिर उनके दो बच्चे हैं एजाज और जावेद। और फिर इनायत, फिर जफर को उनके हमारे चाचा पाकिस्तान मूव हो रहे थे उस जमाने में, तो उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं जफर को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, यू नो एज हिज ओन सन, एंड ही टुक हिम देयर। वहाँ पे तो वहाँ पे वो जाके जफर ने वो ज्वाइन करा, एयरफोर्स ज्वाइन करा, ही वॉन्टेड टू बी अ पायलट। तो उसकी ट्रेनिंग ली, पायलट बने। और जब उनकी इच्छा तो फिर उन्होंने कहा कि आई वांट अ मॉम टू कम, एंड यू नो मैं नहीं, हम नहीं जा सके क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, बट दे कुड वेट फॉर द वेडिंग, सो एंड आई कुड गो बिफोर माय एग्जाम्स। तो इनायत ने कहा कि आई स्टे विद रुकैया एंड गो विद हर। तो जब वहाँ हम गए तो पता चला कि अम्मा से, अम्मा का ना उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया थे, he didn't want her to go back, he wanted all of us to come there, because being in
Air Force, he couldn't leave Pakistan, you know. Yeah. So it was very unfortunate, family separated and idhar se udhar bikhar gayi. Wo bahut sad hua tha. But hum log main aur Inayat amma ke paas jana cha rahe the. But the thing was that it was sad later on, but us waqt humko ye nahi pata tha ke phir India ki already ek war ho chuki thi Pakistan se 65 mein, jiski wajah se halat. Lekin 71 mein phir se jo hui na, jisme Bangladesh bana, to phir to aur restrictions ho gayi ki we couldn't go to Pune and all that, you know. I mean, we couldn't go back to India. And the only reason we were able to go to Pakistan because hamare jo chacha S.K. Dehlvi, he was the ambassador from Pakistan to India in New Delhi at that time. Citizenship, before even we entered Pakistan, we had the citizenship, yeah. So we went via Firozpur, se hum log gaye. Wo entrance tha, port of entry to Pakistan. Aur wahan pe se hamare jo chacha jinhone Zafar ko le gaye the, he was also in a very big position wahan pe. तो उनका बहुत रसूख थे, तो उन्होंने ड्राइवर भेजा था हमको रिसीव करने के लिए, क्योंकि हमारे चाचा ने, एक भाई ने दूसरे भाई को बताया कि ये लोग पहुँचते हैं और ये डेली कमी करके ना. तो फिर वो जब हम वहाँ पहुँचे रावलपिंडी के घर, नो सॉरी लाहौर, लाहौर पहुँचे क्योंकि फिरोजपुर वॉज क्लोज टू लाहौर. फिर उन्होंने वहाँ एक रात हम लोग गए और दूसरे दिन उन्होंने हमको रावलपिंडी भेजा. So that was the first time I and Inayat ever flew in a plane, you know, from Rawalpindi se, Lahore se Rawalpindi. Kabhi nahi hum log plane mein gaye the. Lekin unhone amma ko nahi bataya tha ki Zafar bhai aur Inayat aa rahe hain. Kyunki amma unko aur Inayat ko ye dar tha ki for any reason there is a hitch for us to come, to amma ka to bahut dil toot jayega. Sahi. तो जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसी सीढ़ियाँ थी ऊपर से घर और नीचे ऐसा दरवाज़ा बंद होता था. और तो जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने ऊपर से अम्मा से आके, अम्मा साहब देखता हूँ कौन है करके. तो अम्मा भी हैरान के मुझे क्यों बोले, कभी तो बोला नहीं करके. तो नहीं नहीं फिर भी अम्मा देखो देखो. तो हम दोनों को देख के अम्मा इतने खुश हुए. एंड देन वी मेट सफर आफ्टर मेनी इयर्स. सो दैट वाज आवर मिलाप होते हैं. वी थॉट कि हम लोग कुछ अरसे के लिए गए हैं या आते जाते रहेंगे ना. वी डिड नो कि दैट वाज गोइंग टू बी परमानेंट फॉर अस. सो दैट वाज वेरी वेरी सैड कि हम लोग की फैमिली इस तरह सेपरेटेड हो गई, स्पेशली अब्बा से और शाकिरा से. तो एजाज और जावेद को अभी भी नाराज़गी है क्योंकि उनके हालात फिर ज़रा ख़राब हुए हमारी बहन के, कि आप लोग कैसे शाकिरा को अकेला छोड़ के चले गए करके ना. बट नोबडी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू नो अंटिल यू आर इन इट, के हम लोग क्या समझ के गए थे और क्या हुआ करके, स्पेशली वो वॉर के बाद. तो फिर उसके बाद से हम लोगों की, बल्कि शाकिरा से हम खतो किताबत भी नहीं कर सकते थे. इंडिया एंड पाकिस्तान के इतने बुरे वो थे, ताल्लुकात थे. तो इनायत का एक दोस्त था अफजल मिर्जा, यू नो, एंड ही यूज्ड टू बी इन जर्मनी. तो हम इनायत को, हम खत लिखते थे और इनायत को अफजल मिर्जा को भेजते थे और वो फिर पुणे में शाकिरा को और अब्बा को जर्मनी से खत जाते थे, इनके खत वाया जर्मनी जाते थे. वो भी नहीं थे फिर इस तरह, यू नो. तो फिर उस वक्त हम लोग को सबको था कि पाकिस्तान से तो हम इंडिया जा नहीं सकते किसी को मिलने के लिए, तो अब वी हैव टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान. और फिर कुछ वो हालात हुए जफर जी, अरे मैंने बताया था. तो जफर चाचा के अलावा और कौन था हमारे पाकिस्तान में? हमारे चाचा थे ना, तीन चाचा, चार चाचा थे. अच्छा, तो पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था? लाइक तो पार्टीशन के वक्त तो सिर्फ दो गए थे, पार्टीशन से पहले गए थे क्योंकि पार्टीशन तो 47 में हुआ ना. सही. तो उससे पहले ये लोग सब पढ़ाई वगैरह के लिए गए थे कराची भी. में किस तरह पहुंचे मुझे नहीं पता, बट टू ऑफ देम असदुल्लाह चाचा और समीउल्लाह चाचा वो वहाँ गए थे, वो दे वर इन पाकिस्तान. फिर जब सेपरेट हुआ तो वो वहीं रह गए, लेकिन बाकी ये लोग सिकंदर चाचा जान, अब्बा, हबीबुल्लाह चाचा जान वर इन इंडिया. तो कोई ऐसा नहीं था कि हमारी फैमिली को एक्चुअली मूव टू पाकिस्तान जब सेपरेशन हुआ, सो दे वर जस्ट वेयर दे वर, दे डिडंट. नो, ओनली सिकंदर चाचा जान मूव्ड. या बिकॉज़ ऑफ जॉब, छोटे साहब भी ना.
छोटे साहब तो लंदन से फिर वहाँ इंडिया में नहीं थे। हाँ छोटे साहब चाची जान जो हमारे थे वो भी लंदन में पढ़ने गए थे, तो वो फिर वहाँ से पाकिस्तान आए क्योंकि वो उनके भाई वगैरह वहाँ थे। और सिकंदर चाची जान ऑल्सो यू नो वॉन्टेड टू बी इन पाकिस्तान फॉर, उनको अच्छी जॉब ऑफर आई थी और वो भाइयों के पास, और उनको ये पता था कि ये दो भाई वर नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज माई डैड एंड हिदायत डैड, हमारे चाचा हबीबुल्ला चाची जान। तो उन्होंने कहा मैं आई वॉन्ट टू बी यू नो देयर एंड आई कम बैक, क्योंकि हमारी दादी जिंदा थी यू नो, तो वो आने जाना लगा रहता था उनकी वजह से। तो दे डिडंट थिंक के हालात इतने ख़राब होंगे कि फिर परमानेंटली जुदा हो जाएंगी ना। तो फिर जब हम इनायत को और ज़फ़र को इत्तेफाक से एक ही वक्त ऑफर आया जॉब्स का ना, तो ज़फ़र को ईरान एयरलाइंस में जॉब मिल गई थी और उनके वो 7 years कॉन्ट्रैक्ट एयरफोर्स से ख़त्म हो गए थे, तो ही डिडंट वांट टू रिन्यू यू नो। एंड इनायत को आफरीदी साहब ने ऑफर दिया जाने का कि बिकॉज दे वांटेड टू ओपन अ ऑफिस, दैट वाज द फर्स्ट ऑफिस इन दुबई दैट दे ओपन ऑफिस। हाँ तो ज़फ़र को तो वो नहीं मिला वीज़ा, जैसे अगर रह गए मैं और अम्मा तो हम कहाँ जाए। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने पता किया, तो ज़फ़र को नहीं मिला क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 औलाद उस वक़्त थी, बीवी थी यू नो। तो फिर इनायत ने ही वॉज ऑलवेज अ गुड ब्रदर यू नो, उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस दी। तो उन्होंने अपने बॉस से कहा कि सर अगर मेरी अम्मा और बहन के लिए अगर आप वीज़ा दोगे तो आई कम। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैं आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव वीज़ा, बट लेट्स गो एंड ओपन द थिंग एंड एज सून एज वी आई एम इन अ पोजिशन टू स्पॉन्सर देम आई विल डू दैट, एंड देट वॉज हिज प्रॉमिस टू इनायत यू नो। तो वो प्रॉमिस पे हम लोग पीछे रहे, एक यू नो वी न्यू कर्नल फैमिली, कर्नल रहमतुल्ला, उनके बहुत बड़ी कोठी थी और उसमें पीछे एनेक्स था, तो वी स्टेड देयर, बट बेसिकली दे टुक केयर ऑफ अस एंड यू नो प्रोटेक्टेड अस। सो हाउ वाज पाकिस्तान बैक देन, लाइक इट वाज सेम लाइक इंडिया, लाइक लिविंग वाइज वाज इट मोर क्लीनर और लाइक और सब इंडिया पाकिस्तान? नो, तो हम लोग तो रावलपिंडी पहुंचे ना, तो बिल्कुल गांव था वो सब। अच्छा बिल्कुल, आई मीन आई यूज्ड टू क्राई डे एंड नाइट एंड इन लाइक टू यू नो कि हम लोग कहाँ आ गए, पूना की लाइफ से वहाँ आना बोले तो यू नो हम लोग मेन स्ट्रीट पे घूमने वाले। हैव यू बीन टू मेन स्ट्रीट? उस जमाने में वो तो बहुत ही आला किस्म की स्ट्रीट कहलाई जाती थी ना वो मेन स्ट्रीट, लाइक ओनली द एलीट वुड वॉक देयर एंड मीट देयर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ यू नो। तो जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो वो तो बिल्कुल गाँव के जैसा था यार। But Zafar ka base was there, Chakhlala base, Air Force ka. That's why he was in Rawalpindi and not Karachi, which was more like, you know, Pune and Bombay. So, isliye hamare passport se Rawalpindi likha hua address. Right. Haan. 1092 Satellite Street. Satellite Town. Town. Yeah. Rawalpindi. Yeah. Address abhi bhi chal raha tha. Toh bas लाइक आम के बागात वगैरह वहाँ पे नहीं है हमारे। नहीं, वहाँ पे the only person who was earning at that time was Zafar, you know. फिर जाने के बाद तुम्हारे डैडी को भी जॉब मिली यही आफरीदी साहब के पास, वहाँ के उनके ऑफिस में वहाँ काम कर रहे थे वो। और ये सब पता नहीं है, मैं कहेंगे स्टोरी मिक्स कर रहा हूँ, बोलता कि जब पार्टीशन हुआ था तो सब हम लोग के लाइक महल थे गुजरात में, सब छोड़ के भागे थे वगैरह, क्या ये था ऐसा कुछ? नहीं, ये कुछ और स्टोरी नहीं, वो मेरे नानी की स्टोरी है। अच्छा, आपकी नानी की स्टोरी? नानी की स्टोरी। अच्छा 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 अच्छा, सही महल तो नहीं, मैंने कहा तो बहुत बड़ा बंगला था। अच्छा, हम तो हर चीज जैसे कहते हैं हवेली कह रहा था, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मम्मी जैसे ना उधर तलेगांव में रहते थे। अच्छा अच्छा, तो वो लोग काफी रिच थे, उनके वो मिल्स होती थी ना गिरनिया, वो सब थी वहां पर, और भी कुछ कुछ बिजनेस था हमारे नाना का ना, तो ऐसे हिल के ऊपर उनका जैसा बंगला था जैसा ना, जैसे लनाला खंडाला में होते ना बंगले वैसे थे। जब पार्टीशन हुआ तो वो तो विलेज था, गांव था ना, तो फिर वो वहाँ के लोगों ने बोले कि नौकरों ने बोले आके कि भाई तुम्हारे पे अटैक हो जाएगा, आप अच्छा करो कि निकल जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से। तो तब वो लोगों ने सब छोड़ के 5-6 बच्चे और जितना जेवर था नानी का वो बांधा, कपड़े लिए
और निकल गया तो फिर पूना में आके बसे। तो जब वापस गया तो पूरा बंगला खाली था। ये कहाँ पे था? ये तलेगांव। कहाँ पर? पूना के एरिया में ही। अच्छा, पूना के एरिया में। वो जो उनकी हिस्ट्री तुम पढ़ोगे ना, जो मम्मी के पास है उसमें सब लिखा हुआ है कि वो कहाँ के हैं। कौन की तरफ से लिखा हुआ है? सूरत के है ना? दिल्ली का है। दिल्ली का बताते हैं। दिल्ली का बताते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे ऐसे याद पड़ रहा है उससे दिल्ली नाम पड़ा। हाँ, शायद दिल्ली ऐसा लिखा हुआ था। अच्छा, लेकिन हमारे जैसे अब्बा वगैरह सब सूरत में। सूरत के? हाँ हाँ हाँ। और सूरत में दहलवी स्ट्रीट भी है बोलते हैं अभी, लेकिन उनको पख्तों ने चेंज कर दिया। तो इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिए मालूम है? अच्छा, हाँ। इलाहाबाद बोले इस्लामिक नाम है तो प्रयागराज कर दिया। बॉम्बे को मुंबई के लिए है। अच्छा, तो उसका बहुत आजकल चला हुआ है ना। पुणे का पुणे कर दिया। पुणे कर दिया। तेजो महल ही ताजमहल। बोले वहाँ पे बोले विष्णु का मंदिर था, उसे ताजमहल बना। ये सब कर पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। फैन बनाते हैं वापस। हम लाइव है इसलिए। ए डिलीट कर देना। ये लाइव है। नहीं तो आएंगे उसके मेंबर्स। आगे ज़्यादा नॉक करने वाले। सही। तो अच्छा, तो हम लोग गुजरात, हम लोग गुज्जू ऐसे हैं, लाइक थोड़ा आके रहना चाहना इन लोगों पूरे जैसे गुजरात के स्टेट में ही ट्रांसफर होती रही ना। तो हमारे जो दादा साहब है और परदादा, ही इज बेरीड आल्सो उधर ना। अच्छा, बलसा सूरत के अहमदनगर में? नहीं, सूरत में है ना। सूरत में जी। और वो अबू जो मुझे लेके जाता था, ये यहाँ पे पानी के पास वो पता नहीं महल है, पता नहीं क्या है वो क्या था वो किसका था वो? हाँ, वो अबू जो बताते थे तो हमारा अबू। एक मैंने आपको बताया था ना अभी, जिसमें एक कस्टमर आता था गुजरात का था, अंकलेश्वर का था, कहा था? नहीं, अंकलेश्वर से आता था, लेकिन वो था अफ्रीका में बिजनेस करता था, तो दुबई में सामान खरीदने के वास्ते आता था, तो ऐसे ही आके बैठा था। तो बोला तो कहाँ के हुए वो? तो बोला मैं अंकलेश्वर का। तो अबू ने जैसे बोले कि अच्छा अंकलेश्वर के हो, मैं भी बचपन मेरा अंकलेश्वर में गुजरा ये वो ना। तो बोले कि वो वहाँ पे एक नदी है या दरिया है? तो बोले हाँ हाँ है। तो बोले उसके पास एक दरगाह है, अबू ने बताया। तो बोले हाँ है दरगाह ना। तो अबू ने बोले कि उस दरगाह से लग के घर है। तो उसने बोला अच्छा। तो बोले मेरे बचपन अबू ने कहा कि वहाँ पे गुजरा है। ये कहाँ का था? अंकलेश्वर का। और वो बोले मैं दरगाह के सारा टाइम जैसे वो दरगाह के उसके ऊपर एंट्रेंस पे बैठा रहता था या अंदर जाता था, क्योंकि वहाँ पे कुत्ता जो होता था अंदर आता था तो उसको बाहर बाहर आता था। तो बोले वो उसमें मैं जो हवेली थी बोले दरगाह से लग के बोले मैं वहाँ पे रहता था ना। अच्छा अच्छा। तो इनायत बताते थे कि अम्मा अक्सर जाते थे ना गुजरात सबको लेकर, तो वो उस घर में रुकते थे। अच्छा, अंकलेश्वर के घर में ना। तो वो जो दरगाह पे कौन जाता था, इनायत या वो आदमी? अबू। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन यहाँ पे गुजर रहा है, मैं यहाँ पे बैठा रहता था। हाँ, जब से जो लड़के होते थे जब अम्मा के साथ क्यों वहाँ पैदा ही हुए थे और रहते थे उधर रहते थे बोले। अच्छा, हाँ, इनमें से जब पुणे से जाते थे डेफिनेट, तो वो अम्मा अक्सर जाती थी बोले ना वहाँ पर, तो बच्चों को लेके जाते थे। तो बोले मैं उससे लग के जो घर था वहाँ पे रहता था और फिर बाहर निकल के दरगाह के पास बैठता था। अच्छा अच्छा। तो बताया था तो आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे अब नाम याद है, उस रोज मैं नाम नहीं याद रहा था, नासर साहब को। अच्छा, ये नाम याद रखो, नासर। नासर हाँ, एजाज से जब भी कॉन्टेक्ट होगा ना तो बोले ये नासर साहब कौन है, ओके ये पूछ लेना।
तो वो भी एडवोकेट और लॉयर है ना नासिर साहब, वो क्या रिलेशन है कौन है मुझे भी नहीं पता। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम भी जा रहे हो इंडिया, अंकलेश्वर जाओगे? तो बोले हाँ जाऊंगा। तो बोले जाके उधर देखो, मिलो, बोलो जो भी मिले उनको, बोले इनायतुल्लाह का दुबई से फोन है, मैं फला फला कर देता हूँ ये वो ना। तो गया बाबा, बातें करते हैं तब ताजीम से ना, उनसे बात करते हैं और बहुत मेरे ख्याल से जैसे हजरत साहब ऐसे कुछ थे, तो वैसे वो नासिर साहब भी थे। क्या रिलेशन मुझे नहीं पता, नासिर साहब भी थे, क्या रिलेशन मुझे नहीं पता। तो फिर उसने इनायत का जिक्र किया ना, तो बहुत खुश हुए ना, और अपना टेलीफोन नंबर दिया उन्होंने कि इनायत को बोलो मुझे कॉल करो और आके मिलो भी मुझसे ना। अच्छा। तो फिर जब उसने उनका टेलीफोन नंबर लिखा था, इन्होंने बात भी किए थे। अच्छा। तो बहुत बोले थे आ जाओ मेरे पास, आओ आके जाओ। तो इनायत ने नासिर साहब से बात की। हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत बोल रहे थे कि आओ मेरे से मिल कर जाओ, ये करो वो करो। लेकिन इनायत ने बताया नहीं कि वो कौन थे करके। मैं समझी कोई रिश्तेदार है, फिर बाद में वो फिर एजाज वगैरह का ये पता चला ना। अच्छा। और मैंने भी कभी पूछा नहीं कि कौन है ना, बस अम्मा के रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है ना। अच्छा। तो वही उनकी आम की बाड़ियां हैं। तो बोले इन्हें बोले क्या करते हो आप ये, और बोले बच्चे तो सब यहाँ से चले गए लंदन ये वो। तो बोले मैं इधर रहता हूँ और मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी उनकी, और वो नासिर साहब बोले अपने बाड़ियों में जाके बाग में जाके बैठता हूँ। तो ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 10-15 साल तो भी हो गया। अच्छा। आई डोंट थिंक सो अभी तक होंगे। लेकिन वो अभी ये एजाज को पता होगा। हाँ, हाँ, एजाज से होना तो उनको पूछते हैं नासिर साहब कौन है। अच्छा। अंकलेश्वर में। अच्छा। और वो हवेली कौन सी थी? हाँ, हाँ, दरगाह के पास जो हवेली है। हाँ, वो किसकी थी? वो किसकी थी? और अच्छा शिजरे वो जो दरगाह है ना, वो हलीम शाह बाबा के नाम की है। अच्छा। जिनकी दरगाह है वो हलीम शाह बाबा है, और शिजरे में हलीम शाह का भी जिक्र है। और उनका भी जिक्र है, और फिर हलीम शाह की भी उसने स्टोरी बताई, उसी लड़के ने बताई हमको कि वो कौन थे। तो फिर वो मैंने शायद सना आलम को सब बताया, ऐसा लग रहा है मैंने अभी रिसेंटली सबको बताया, आपको तो नहीं बताया ना। तो फिर वो उसने बोला कि वो जो दरगाह है वो हलीम शाह बाबा का, वो उनका किस्सा ऐसा है कि एक जमाने में बहुत पहले अंग्रेजों से पहले शायद कोई राजा की फौज थी, तो वो लोग जा रहे थे जैसे ना, तो वही तूफान आ गया ना उधर। हाँ। तो ये लोग रास्ता भूल गए फौज। अच्छा। तो फौज में तो काफी लोग थे, 500,000 पता नहीं कितने थे, तो रास्ता नहीं मिल रहा था, जंगल से गुजर रहे यहाँ गुजर रहे ना, तो भूखे हो गए थे। हाँ। तो जंगल में एक बुजुर्ग आदमी उधर बैठे हुए थे। हाँ। तो राजा के लोगों ने बोला कि भाई हम रास्ता भटक गए हैं और हम लोग सब भूखे हैं, तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा तो दो। तो बोलते वो हलीम शाह बाबा ने ऐसी छोटी सी मटकी के अंदर कुछ हलीम दाल चावल डाल के बनाए और खिलाए। तो बोलते वो खत्म ही नहीं होती थी, इतने सारे लोगों ने खाए, वो खाते जा रहे। हाँ। खाते जा रहे और देखने कैसे हो, इतनी सी हांडी थी ना। हाँ। तो वो करामत थी उनकी, तो राजा वगैरह तो सारे कन्वर्ट हो गए, बोलते उनके साथ उनकी फौज भी कन्वर्ट हो गई। फिर बोलते वो राजा ने खुश होके उनको बहुत सारी जमीने दी, और इस तरीके से वो सब हाँ वो उनके सब तरीके से क्या बोल, उनके बच्चे और जो भी थे उनके से वो फैमिली है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। क्या आपके उसमें क्या निकला? नहीं कुछ नहीं, मतलब बस वो तुम तो नहीं रहे हलीम शाह बाबा? नहीं नहीं नहीं, हम तो भूल गया, हम तो भूल, हम लोग हमें भूख लग गई भी वो हांडी का निकल हलीम याद आ गया। तो किस तरीके से वो है, तो फिर मैंने ढूंढा ना और हिजरे में एक मरतबा नजर पड़ी थी, मैंने कहा हलीम शाह बाबा है कैसे में ना। अच्छा, ना। अच्छा। तो है उनका नाम कुछ तो भी है सही से। तो ये हमारी लाइक वहाँ दादी की साइड की स्टोरी वगैरह है। तो so like, आपको ये सब याद नहीं आपको, because this was I guess before your time, right? Yeah. Well, yeah. Maybe were you very young at that time? No, I was born in Pune in 1949 when
अंकलेश्वर गए थे ना जी, तो अम्मा अंकलेश्वर ही जाते थे जी जी। और उससे पहले तो मेरे ख्याल से वो जाना भी चाहते थे तो शायद जा नहीं पाए हालात के तहत। लेकिन there's lot of history which unfortunately we don't know, you know, because उस जमाने में जब अम्मा तो बहुत ही यानी वो पढ़ी लिखी थी, उनको सारी हिस्ट्री पता थी, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं थे ना कि पूछते अम्मा से, because we talk so little with our parents and they were not like बैठो मैं तुमको ये कहानी सुनाती हूँ, communication was very little unfortunately, but you know अगर उनसे मालूम करते तो बहुत रियल हिस्ट्री मालूम पड़ती ना। तो दोनों अदर पर्सन उनकी फैमिली के बारे में, उनके फैमिली के उनका शजरनामा, दोनों पर्सन इज एजाज एंड आई थिंक यू शुड कांटेक्ट हिम सूनर देन लेटर, यू नो। एजाज और एजाज की जो सास आई थी ना हजरत साहब की वाइफ, वो तो बोलती कि आओ अंकलेश्वर, वो बहुत बुला रही थी ना आओ गुजरात, आओ गुजरात, आओ आके मिलकर। तो बुलाना पड़ेगा वहाँ पे भी, YouTube लाइव लगाना पड़ेगा मुझे भी। YouTube लाइव लगाना पड़ेगा मुझे। सही। तो अच्छा फिर तो अच्छा that so that was the that's how far back you could go with mummy and I mean dadi and dada, right? Right. So I think you stopped at उन दोनों के अब्बू की और चाचा जान की जॉब लगी थी एक साथ, and then I guess अब्बू came to Dubai and चाचा जान went to Iran, right? अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइक देन 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 इट वाज स्टिल यू दादी एंड अब्बू, दैट्स इट राइट? नहीं, और फिर उन्होंने शाकिरा चाची, तुम क्या कहते हो उनको, शाकिरा शाकिर फूफो, फूफो के मियां यानी एजाज के डैडी को दुबई आ गए ना, फिर उनको दुबई बुलाया अब्बू ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो साथ आप पाकिस्तान से दुबई आए और वो इंडिया से दुबई, कुछ महीनों के बाद क्योंकि उनकी वहाँ जॉब नहीं थी, तो शाकिरा ने कहा कि नायत अभी अगर तुम इनको बुला के वहाँ जॉब दिलाओ तो इट विल हेल्प अस करके ना, तो फिर वहाँ उनको बुलाया गया और उनको जॉब दिलाई नायत ने, या उन्होंने ढूंढी जैसे भी हुआ, एंड देन ही स्टेड विद अस एंड देन शाकिरा चाची केम एंड एजाज जावेद और लिटिल दे केम। फिर मम्मी के भाई इकबाल आए, उनको शाकिरा ने या कहा कि चाची ने कहा कि इकबाल को बुलाओ करके ना, तो उनको बुलाया तो वो आए। तो हम लोग कहाँ पे, दुबई में थे, अजमान में, शारजा में, कहाँ पे थे हम जब आशुशर में आए थे? शारजा में थे। तो हम लोग अभी अजमान में थे, अजमान में जॉब ऑफिस थी, ऑफिस थी ना अलसफा इंटरनेशनल, लेकिन हम लोग अजमान में कभी नहीं थे, हम शारजा में थे। तो वो अलसफा के थ्रू ही कुछ स्पॉन्सर पीपल, यू नो, अलसफा। अच्छा अच्छा, पाक इंटरनेशनल थी पहले। हाँ, पाक इंटरनेशनल थी। हाँ, फिर सैफ के पैदा होने के बाद उन्होंने नाम चेंज किया था। किसी के अंडर नहीं थे, वो अपने खुद स्पॉन्सर थे नौकरी के, इसमें तो क्या नौकरी खत्म तो वीजा खत्म दुबई में, तो ये है, तो उसकी वजह से अबू इतने साल टिके रहे दुबई के अंदर। छोटा मोटा अपना कुछ भी करते रहे, बिजनेस करे, नौकरी करे, लेकिन खुद के वीजे पे हैड दैट लाइसेंस प्लेस टू रन, यू नो। तो उन्होंने फिर इनायत, फिर हिदायत को बुलाया, यू नो, और फिर इकबाल आए, फिर मम्मी की शादी हुई, तो फिर मम्मी आई, यू नो। That was kind of the end of people coming at that point. तो फिर आप फिर यूएस गए थे ना, देन That was after mummy got married. After. So you we guys... went in February for 82 and you were born in March of 82. और आप बताओ कि हम लोग आपकी शादी कैसे थी, अबू के साथ क्या हुआ था? तो डिटेल में और उसका नहीं, इनकी दादी के बारे में पूछो ना, वो तो मैं बता दूंगी तुमको कभी ना कभी। आपकी दादी की क्या हिस्ट्री थी?
दादी की भी हिस्ट्री ये थी कि वो भी बहुत अच्छे खानदान की डेफिनेटली थी और उनका उनके जो अच्छा आपकी दादी हमारी परदादी अच्छा तो वो उनके उनके जो वालदेन की ना वो थी वो लोग दक्कन के थे और वो फिशिंग बिजनेस था श्रिम्प बोट्स एंड ऑल दैट उनकी चलती थी जैसे वो भी बहुत शरीफ बहुत नेक खातून थी बहुत मजहबी पंच वक्त नमाजी एंड जितनी हमारी खानदान की लेडीज वर मोर रिलीजियस देन द मेन वर यू नो मैं थोड़ा बिगड़ गया बिगड़े नवाब नवाब इतने इसलिए लिटरली इतने नवाब थे लिटरली नवाब भी थे और बिगड़े नवाब ही थे नवाब तो बिगड़े हुए जरूरी है ना सही तब वो दुबई आया आपके साथ और दादी के साथ एंड देन उन्होंने फिर सबको बुलाया फिर इकबालम को बुलाया फिर आपके यहाँ पर आपका कैसे हो गया फिर इकबालम के बाद फिर अब्बू का पहले अब्बू पहले इंडिया गए थे ना आपने कहा शादी के लिए फिर 79 में अब्बू आए थे हाँ हाँ फिर वो जो जफर ईरान गए ना जी उसके थोड़े अरसे के बाद उनको लिबिया से जॉब का ऑफर आया सही तो ही मूव टू ट्रिपोली लिबिया एंड ही वाज फ्लाइंग फॉर लिबियन एयरलाइंस बट दैट्स अनदर वो कंट्री दैट वुड नॉट अलाउ हिम टू कम टू ऑफर यू नो तो वो ज्यादा नहीं आ सकते थे यू नो ईरान में जब तक थे तो अम्मा से मिलने आ जाते थे लिबिया जाने के बाद जरा तो ईरान में फिर ही वेंट टू ईरान विद थ्री किड्स एंड टू मोर किड्स वर बॉर्न ओवर देयर एंड वन ऑफ देम वाज आमिर यू नो जो जफर की नॉलेज है इनायत के लिए और उनके खानदान के लिए आपसे स्टोरी ले ली देन लाइक यू नो आमिर भाई से स्टोरी लूंगा देन लाइक यू नो इवेंचुअली लाइक यू नो वी कैन sit together and like you know put it all together kabhi agar tumhari rahat se mulaqat ho na to she is another one because unko pura dada sahab se sab pata hai khabar hai ha ji sahi wo kuch batate the ki wo guest house hote the na government ke to wahan pe bhi wo log jaake rukte the wo nasik wagera wahan pe bahut unko sab pata hai ki hamare jo dada the wo itni badi position pe the ki nehru ki daawatein karte the you know and all those big people used to come like dignitaries and political people unke paas aana jana tha because he unki agar wo tum history padho to unhone na bahut kaam kiya hai muslim league ke liye he was very involved with india and pakistan ki jab partition ho raha tha not necessarily he didn't agree with jinnah but he was very much oh yeah this is good history so ha your dada is not agree with to acha to ye hamare dada ki baat ho rahi hai your dad no, sorry. My grandfather to dada hamare par dada ki baat ho rahi hai ali mohammad khan dalvi ha ha okay sir ali mohammad sir sorry to acha to so he was involved in the muslim world league and and so he was president in muslim league ke the acha फर्स्ट प्रेसिडेंट वो बॉम्बे मुस्लिम लीग प्रेसिडेंसी की एक बुक है तो नहीं बुक में तो उनका नाम है हाईएस्ट पेड जो था तो उनका नाम है सर अली मोहम्मद खान दहलवी का एक बुक है मेरे पास उधर हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट के जो थे वो और क्या मैं कहती थी वो बॉम्बे के उस पे तो प्रेसिडेंसी में सबसे आगे उनका नाम है तस्वीर भी होती थी यू नो वहाँ बॉम्बे की पार्लियामेंट में या कहाँ पे फिर उतार दी गई क्योंकि देयर सो मेनी अदर पीपल केम एंड ही वाज अ मुस्लिम यू नो तो तरह वो तो उन्होंने उनका जो पूरा मम्मी के पास लिखा हुआ है आप देखोगे कि उन्होंने कितनी 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 सर्विस करी ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस ही वाज दैट एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट सर्विस
to India at that time when India was still in British, under British rule. He was knighted because of his service to to that government, to British government. And he was knighted by the Queen. So they weren't against, they weren't like, were they for the like separation of India Pakistan, or they were not? Because aapne kaha tha they didn't want it to. No, he's not in favor of Jinnah. Okay, he wasn't in favor of Jinnah. So gaye bhi nahi na, tumhare dada gaye bhi nahi Pakistan na. Acha. But that's what they said, he was against Jinnah, but that doesn't, I don't know whether he was like really against Pakistan partition or what, that history I don't know. नहीं उसमें लिखा हुआ है. लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे. टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा तो ये लिखा हुआ है. अच्छा अच्छा. वो तो इंडिया के फेवर के ही लिखा होगा जैसा. अच्छा. तो हमारी दादी की फैमिली गुजरात से थे, बट लाइक आपके जो दादा थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो देयर स्टिल इन पुणे, राइट? नहीं, वो भी गुजरात से, गुजरात में ही थे. इन दोनों के सब बॉम्बे में थे ना, बाद में गए ना बॉम्बे आए, लेकिन बॉर्न किधर के वो नहीं पता चल रहा. आप बोले दिल्ली के हैं ना, कहीं लिखा हुआ है दिल्ली के हैं मतलब ना, दिल्ली से थे. अगर दिल्ली नहीं तो डेफिनेटली सूरत के हैं. उसके पास सब होगा, मोबाइल पे उसने रखा हुआ है ना. अच्छा. कोई भी कुछ मांगते तो फॉरवर्ड कर देते. उसको कहो ना जब तक मैं हूँ तो अपन जैसा देखेंगे कि क्या है. उसने भेजा होगा शायद, मैं देखता हूँ. तुमने कहा था तो तुमने शिजरा मांगे थे तो भेजा तो कहीं है, सेव किया है. शिजरा होना चाहिए, अम्मा का शिजरा. मैं बताना चाह रही हूँ कि वो हलीम शाह बाबा का नाम था, मैंने चेक किया था. मुझे भी ना इतना भूलती हूँ, नाम याद नहीं आते. खालिद साहब, लेकिन अभी आ गए एकदम से नासिर साहब ना, और ये पक्का है कि नासिर साहब ही नाम है. अच्छा अच्छा अच्छा. इजाज़ से जरूर कॉन्टेक्ट करना. ये तो अभी मिलके भी आया है ना, तो वो जरा बताएंगे भी. इनायत ने बोले थे कि ये जब गए थे लास्ट जब गुजरात, ये ने हमारी शादी से 79 में तो गए थे ना हजरत साहब के पास भी, तो उस वक्त नासिर साहब, हजरत साहब, उन्होंने सब उनको घुमाए थे उधर ना. अच्छा. तो उन लोगों का क्या रिलेशन है वो नहीं पता मुझे. तो हम लोग दिल्ली कैसे थे, because we don't have any relationship like to any Shah Wali or Dehlvi and नहीं, you know what, हाँ ये question था तुम्हारा. yeah, कि मम्मी हमारा relation है क्या Shah Wali Khan Dehlvi से. नहीं नहीं, तो मुझे वो लोग तो बल्कि कहते हैं, मैंने तो ये सुना है, I don't know, कहते हैं कि ईरान में या अफगानिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है दहलव. ईरान में, ईरान में है ना, और वहाँ से हम हमारा है. अच्छा अच्छा अच्छा. या वी कम फ्रॉम देयर, और फिर दिल्ली में आके वो हुए, बसे थे, और फिर गुजरात. सो वी आर नॉट दिल्ली बिकॉज़ ऑफ दिल्ली. नहीं, वी आर दिल्ली बिकॉज़ ऑफ द सम सिटी नेम. या या. सो दिल्ली कहां से आया, ये भी ईरान से आया या दिस वाज ऑलवेज देयर? और ये तो इंडिया का था. दहलाव का क्रिकेट कोई जगह है दिल्ली के, सॉरी ईरान में बोलते हैं. अच्छा. दिल्ली है. अच्छा अच्छा. मैं ऐसे गूगल मैप्स पे चीजें देख रहा था तो है अफगानिस्तान से नजदीक है. उसके पास है सर के पास, उसमें लिखा हुआ है कि वी आर फ्रॉम दिल्ली. ओके ओके. किसकी हिस्ट्री? दादा साहब की. दादा साहब की. मोहन दादा. सो दैट्स हाउ फार बैक वी गो, राइट? Do we go any further back than that? Sir Ali Mohammad Khan Dehlvi ke father ka naam Mohammad Bahadur Khan Dehlvi tha. Acha. Par hum log wo bhi fauj ke bahut bade high post ke upar the. To hum log like hum jo kitne piche ja hum log aapke dimag ke andar jo bhi hai. So we are still in India. We are not in somewhere else, right? We are in subcontinent mein hum log. Yeah, yeah. Lekin Shaagi Chachi bolti thi ki ye आप लोग जैसे अफगानिस्तान से आए थे और ये बाबर अकबर की जो फौज की टोलियां होती थी उसके साथ आए थे. अफसर आपा भी ये कहते हैं, अपने आप को इंडियन नहीं कहते, वो अपने आप को अफगानी कहते हैं. हाँ, अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे. और वो इन्हें जो ये मुगल एम्पायर के साथ ये लोग आए थे, तो इन्हें कितने पुराने थे.
200 ईयर्स तो इन लोगों ने रूल किया, फिर मुगल एम्पायर 200-300 साल, 500 ईयर्स बिफोर के जैसे वो लोग उस वक्त माइग्रेट होकर आए थे, उससे पहले और कौन कौन थे नहीं पता। मोहम्मद खान बहादुर से पहले कौन थे? Muhammad Khan Bahadur was Salim Muhammad Khan Dalit's father. Okay, okay. And he was involved in any political stuff? फौज में थे, इसमें थे, पॉलिटिक्स में थे, देन पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हां, पुलिस डिपार्टमेंट कौन था? डाक बंगलो मिलते थे, कितने फौजी उनके अंदर होते थे। पुलिस में फौजी होते थे? जो पुलिस इंस्पेक्टर कब थे? ब्रिटिश के जमाने में था। तो उस पोस्ट को बहुत हाई समझा जाता था ना, पावर होता था। तो आजकल पुलिस को नहीं, तो वी कम फ्रॉम अ वेरी I would say educated aristocrat family, you know, and it's a very good combination because from your dadi we come from a very religious, you know, holy family kind of. Yeah, that's what I know. So our religious comes from dadi, like. उसकी वजह से देखो हमारा जनरेशन बढ़ रहा है, दहलीज का आगे बढ़ रहा है, इनायत फिर इनके बच्चे, उनके बच्चे, जफर उनके बच्चे, लेकिन दूसरों के कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, दहलीज खाली स्टॉप जैसा हो गया दूसरों की तरफ से। दूसरे चाचाओं के ना जैसे वो थे असदुल्ला खान चाचा, उनकी दो बेटियां थी, तो एक तो बहुत ही जवानी में गुजर गई थी, शेयर्ड ब्रेन और सब, जरीना पोपी जान जो थी तो एक ही पोपी थी, तो उनको कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं। देन वो थी जो सुल्तान अहमद खान एक चाचा थे, जो वो भी उन्होंने शादी नहीं करी थी, वो भी लंदन में पढ़े लिखे थे, बल्कि उनके एक उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ब्रिटिश, लेकिन जब 1944 की वॉर हुई तो उनके वो लंदन में थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब उनके करीब गिरा, तो he lost his eyesight temporarily. Okay. Yeah, and I don't know if he regained the whole eyesight, but he did. तो वो लड़की ने उनको she left him because of his disability. हाँ, disability. तो उन्होंने उसके गम में शादी नहीं करी. तो उनकी कोई औलाद नहीं थी. बाबा साहब चाचा जान उनके दो बेटे हैं ना, जमील दहलवी और सईद दहलवी. तो उनके सईद दहलवी का एक बेटा है, उसका नाम अली दहलवी, अली आगे क्या है पता नहीं, और जमील के भी एक बेटा है बट ही इज मैरिड ब्रिटिश गर्ल, तो आई डोंट थिंक सो ही सैफ का उससे कांटेक्ट में है, है? क्या नाम डैन दहलवी, जमील दहलवी के बेटे का नाम डैन दहलवी, वो बच्चा है, वो छोटा है, तीन है ना, और रह गए फिर हबीबुल्ला चाचाजान और ये हमारे अब्बा, तो हबीबुल्ला चाचाजान के दो बेटे हैं लियाकत और हिदायत, तो दोनों की बेटियां हैं, तो देयर इज नो सन टू कैरी देयर नेम, सो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग दैट
माय फादर वाज द ओनली वन जिनके तीन बेटे समझो जो थे तो जफर के बेटे दोस्त टू यू नो आमिर तीन उबैदुल्ला और नजीबुल्ला और जफर इनायत के बेटे तुम तीन माशाल्लाह से और कौन था गया भाई के जो है वो उनका भी स्टॉप हो गया मानो लोग को औलाद नहीं है ना हाँ लेकिन गुड यू नो बहुत दुनिया के और देखो सब जो चिचानी जान भी थे उनके मियाँ भी बिल्कुल वो नहीं थे चिचानी जान कौन है हमारी सास आपकी सास अच्छा तो हिदायत के पास की अम्मी अम्मी जो थी तो शी केम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिलीजियस फैमिली उनके सारे भाई हाफिज हैं कभी उनकी उनके पास भी राहत के घर जाओ ना तुम तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं यू रियली लर्न लॉट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम जस्ट द फोटोग्राफ ऑफ दैट उनके पास है तो उनसे वो लेना उनकी भी लेना तुम्हारी अब्बा की दादी की भी लेना नॉट जस्ट नानी की बल्कि दादी की भी और अब तुम्हारे वालिद के हमारे जैसे तुम्हारे दादा उनके पास दादा जिनका अपन जिक्र कर रहे हैं ये सुंदर पिक्चर विथ हिज मेडल एंड ऑल दैट उनके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं एंड तो यू नो तो उनकी भी बीवी जो थी शी वाज चिचानी जान वाज वेरी केम फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली रिलीजियस प्लस वो तो वो शी वाज एरिस्टोक्रेट हां वो फैमिली से ना नो बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप था उनका अच्छा और दूसरी भी जो भाइयों की बीवियां थी दे वर यू नो रिलीजियस भाई इतने ज्यादा नहीं थे दे वर मोर इनटू politics and education all that yeah service kind of thing to in log ka abhi bhi contact hai udhar rahat aparang se paasha se aur baaki kisi nahi shah aur huma ka hai dusre bhai se hai mamu to ab sab guzar gaye unke bachcho se hai so that was it for tonight that's good so why don't you end with like aapka dubai aane ke baad pe kya hua shaadi ka wagaira कि वो आई वांट दैट अ फ्रेश एयर दिमाग के अंदर तो उसको भी खत्म कर लेता है सर नहीं शादी के बाद शादी के बाद नहीं लाइक पप्पू वगैरह दादी वगैरह दुबई आए फिर आपने कुछ कहा था ना एक बार वो आए थे फिर अबू अबू पूना गए थे फिर वापस आए पूना जब उनके 79 में नहीं जब सब सब ना जैसे नायर की जो जो जिम्मेदारियां थी कि अम्मा को भी बुला लिया शाकिरा को भी उनके मियाँ को सेटल करा फिर उनको कहा गया कि इकबाल को बुलाओ तो देन ही फेल्ट लाइक ही नीड्स टू गेट मैरिड और वो शादी के लिए उससे पहले 79 में जब इनायत आए थे जी जी तो किस लिए आए थे अब्बा सीरियस हो गए थे हाँ ये सॉरी हाँ वो डिलीट कर देना आगे जो मैं बोल रही हूँ अब्बा जो सीरियस हो गए थे तो उनका देखने के वास्ते आए थे और शाकिर चाचे ने कुछ यूं कहा था इतने सीरियस है कि वो चाह रही थी कि वो आए करके नहीं कपल लेके आए थे ओ माय गॉडनेस वो केटी का तो आए के उनको पता नहीं किसने उनको बोल शाकिर चाचे ने बोला केटी का तो आने का कपल के वास्ते लगेगा जापानीज लेकर गए थे ये मुझे भी नहीं पता जापानीज पजामे तो उस वक्त क्या वो फिर अब्बा तो अच्छे हो गए थे तो फिर क्या काम था कि भाई शादी करो शाकिर चाची वाज मोर इंटरेस्टेड कि भाई शादी करो 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 तो फिर अम्मा ने भी कहा था कि गुजरात से लड़की देखो मेरे फैमिली की कोई लड़की देख रहा हो ना तो वो देखने गया सब गुजरात गए तो वहाँ पे भी कुछ जमा नहीं फिर शाकिर चाची ने देखी लड़कियाँ बता रही थी फिर चूंकि हम लोगों ने दावत रातें भी की थी और माओ की वजह से तो अबू ने मुझे देखा था तो जब वो सब डिस्कशन हो रहा था तो अबू ने जैसा शाकिर चाची को इंटरेस्ट शो किया कि इकबाल की फैंसी क्यों नहीं करते ना
तो फिर तुमको पता है क्या शक सच्ची ने क्या रीजन दिया था क्या रीजन था बहुत छोटी है बहुत छोटी है कितना छोटी पता सकते कितना छोटी वो नहीं बता सकते तो आज भी नहीं पता आई डिस्कस क्योंकि तुम्हारे अब्बा की उम्र ही मिस्ट्री है इसीलिए तो कितना पूछा है ना सही डेट ऑफ बर्थ बता पर नहीं बताया कभी नहीं बताया फिर उसके बाद अबू चले गए ना फिर एक साल के बाद मेरे प्रपोजल ऐसे हुआ के दो तीन एक साथ आ गए थे क्योंकि तीन चार आ गए थे और शाकिर चाची चूंकि फैमिली मेंबर थे तो उनको सब खबर हो रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो उनको बिल्कुल अबू का ख्याल आया कि भाई मैं बड़े बाबा को तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कि बड़े बाबा करना है तो अभी करो नहीं तो ये भी जाएगी तो फिर अबू ने बोले हाँ हाँ करना है फिर आपसे भी बातचीत हुई और अबू ने और फूफो ने एक बार मामों को कहा कि रिश्ते का फिर जहाँ मेरा दो तीन जगह चल रहा था एक बार थोड़ा दबाव आया तो फिर हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहे थे बाकी दो में एक जगह तो ऑलमोस्ट यस बोल दिया था लेकिन डायरेक्ट उनको नहीं बोला था जिसने रिश्ता लाया था उनको बोला था लेकिन फिर उन्होंने बोले हमने पूछा कि तुमने उधर क्या जवाब दे दिया क्या तो उन्होंने बोले नहीं मुहर्रम शुरू हो गए तो हमने सोचा कि मुहर्रम के बाद देंगे 10 तारीख के बाद देंगे ना लेकिन उनका प्लान कुछ और ही था तो वो थे तो फिर उससे की तरह से तो हमने कहा कि अच्छा भी दो मत हम और सोचते हैं ना तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अब जल्दी मत करो तो आंसर देने में हमारा ख्याल था हम अपने बेटे के वास्ते कर रहे ना खुद ही रिश्ता लेकर आया फिर खुद अपने बेटे के वास्ते भी कर रहे ना तो उधर भी वो कुछ थोड़ा डिले कर रहे थे जो भी था तो हमको लगा था कि ये टंग आएंगे जैसा नॉट सीरियस फिर अबू की तरफ उड़ गया और हम इनको फौरन साथ में ले आए थे शादी के बाद तो वो भी जैसा इतनी इनके हाथों में मेहंदी वो अभी भी है ऐसा लेकिन एक आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि ये मम्मी कह रही थी कि अबू की जब बात हुई तो फिर वही आपा को बोला द रीजन दे said it to me and not my mom because by then she had lot of Alzheimer. तो उनको वो ठीक शामिल सब कुछ था अम्मा थी ना तो जब इनकी मम्मी ने रुखसती करी तो स्टेज पे मुझे बुला के कहा कि मैं अपनी बेटी तुमको सपोर्ट करती हूँ उनका ख्याल रखना यानी जो माँ को कहा जाता सास को लाइक एज एन एडल्ट तो हर मॉम ऑल्सो न्यू दैट अम्मा डिडंट आई मीन शी अंडरस्टूड सम शी वाज देयर बट उसी वक्त अजीजा आप आए थे यू नो शादी में आए थे ना तो उनको भी नहीं पहचाना था उन्होंने अच्छा नहीं हाँ नहीं पहचाना था राशिदा आपा की बहन उनकी कजन सिस्टर होती थी तो अम्मा की हाँ कजन सिस्टर भतीजी की बहन
तो वो भी आई थी लेकिन अम्मा ने नहीं पहचाना, हालांकि शी ग्रो अप विद देम है ना, तो उनका अल्जाइमर तो अनफॉर्चुनेटली यू नो आई मीन उसके दो साल बाद वो गुजरी, तो वो शी कुड रिकॉग्नाइज मी एंड जबीन एंड यू नो द किड्स एंड ऑल दैट एंड इन दैट बट नॉट बियॉन्ड दैट या तो बट दैट वाज आल्सो वेरी गुड बिकॉज़ हम लोगों को पहचानती थी तो यू नो इट वाज यू नो और तुम्हारे अबू ने तो उनकी खैर बहुत खिदमत की लेकिन इन अ वेरी जैसे उनको एहसास नहीं दिलाया कि आप अम्मा भूल रहे हो ये कर रहे हो ना तो मजाक कभी कभार कर लिया करते थे लेकिन अम्मा समझती थी यू नो दैट तो जैसे वो नहीं है वो कौन था वो पाकिस्तानी जोक था कि एक आदमी शराबी था ना कुएं के ऊपर बैठा हुआ था तो बोलता था 25 25 25 25 तो एक आदमी गुजरता है तो बोलता है तुम 25 25 क्या बोल रहे हो ना तो उसको उठाता है कुआं में डालता है बोलता है 26 तो इनायत वो जो कुछ जमाने में अम्मा को भी जैसे उससे पहले मालूम था तो जब भी रिपीट करते थे ना तो इनायत मुझे कहते थे रुपया 25 25 बोल चुके तो अम्मा बोल चुके तो इनायत अम्मा बोलते थे देखो रुकैया बाबा मेरा मजाक उड़ा रहा है शी न्यू यू नो सो बट शी वुड नॉट गेट मैड एट इट यू नो सो जैसे अभी मैं आज कल जब इनको कह रही थी कि जब हम बाहर जाते थे ना तो वो गाड़ी में जब बैठना होता था तो अम्मा कभी कभार वो ड्राइवर सीट की तरफ चले जाते थे नॉट नोइंग व्हाट शी इज डूइंग यू नो तो अम्मा वो इनायत बड़े प्यार से उनको बोलते थे अम्मा आप गाड़ी चलाओगे देखे बाबा मेरा मजाक उड़ा रहा है एंड देन द बेस्ट पार्ट वाज आई डोंट थिंक सो इट नीड्स टू गो इन देयर यू हैव टू जस्ट नहीं तो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे यानी कि उनको तो हर चीज में किसी ने तो बोले कि अम्मा अम्मा ऐसा आज शाम को अपन शाहनवाज के वहां जाएंगे तो बोले है रुकैया करके तो इतना वो है रुकैया तो मैं अम्मा को बोलू है हाँ अम्मा तो वो यकीन करती थी कि अगर रुकैया ने कहा है तो सच है तो मेरा नाम ही है रुकैया तो इनायत क्या करते थे बोले अम्मा आज अपन ऐसा करेंगे है रुकैया लुक एट मी ऐसे है तो देन अगेन शी वुड से देखो मेरा बाबा मजाक उड़ा रहा है तो लाइक शी वाज यू नो वी नेवर डिड दैट के तो अम्मा फिर एक कहानी सुनाती थी दिस इज वर्थ लिसनिंग तो कहती थी कि जब उनको कभी कभार जैसे बुरा लगे या गुस्सा आ जाए तो एक मतलब उन्होंने कहानी सुनाई थी कि पहले जमाने में वो नहीं जो रईस होते थे जमींदार उनको चौधरी कहा जाता था और वो लोग सब वो खाता लिखते थे ना अपने बिजनेस का डे टू डे तो वो नहीं इंग्लिश में रजिस्टर बोलते ना बट वो गुजराती में चोपड़ा बोलते थे यानी वो बड़ी बुक जिसमें वो अच्छा हाँ तो वो जिसमें वो लिखता था उनका मुंशी तो वो मुंशी हर न सिर्फ वो लिखता था क्या नाम अपना बिजनेस की चीज है वो घर में जो होता था थोड़ा बहुत वो भी लिखता था तो वही आदमी जो चौधरी था वो जमींदार जो था वो बूढ़ा हुआ तो वो अपने बेटे से कुछ बार बार पूछता था आपको पता ही था हाँ मैंने कुछ सुना है हाँ, हाँ, तो वो एक बार पूछे दो बार पूछे जब बूढ़ा होने लगा तो बेटा बहुत नाराज होता था फिर जब भी पूछो तो नाराज होता था तो आदमी बड़े यू नो उससे खामोश बैठ जाता था फिर उसको एक दिन बहुत बुरा लगा तो उसने कहा कि वो चोपड़ा खोलो करके ना तो वो चोपड़ा खोलता कहता गो बैक व्हेन यू आर अ बेबी करके तो देन ही वो पंसन उसमें लिखा हुआ था कि वो बच्चे का नाम जो भी था वो अपने बाप से पूछता है कि यू नो पिताजी या बाबा जो भी कि ये क्या है तो वो जवाब देते हैं पहली मरतबा फिर दूसरी मरतबा सेम क्वेश्चन द बेबी आस्क ना तो वो बहुत और भी तहमुल से जवाब देते हैं फिर तीसरी मरतबा पूछता है तो बहुत प्यार से जवाब देते हैं सो मेनी टाइम्स ही आस्क पर जब
फादर नेवर गेट्स मैड एट हिम यू नो सेम क्वेश्चन में. तो वो बच्चे को बोलते तुम पढ़ो, वो लड़के को जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पढ़ता है तो फिर उसको इतनी शर्म आती है कि माय फादर वाज सो पेशेंट विद मी एंड सो दिस थिंग और आज मैं अपने बाप को डांट रहा हूँ. तो उस दिन के बाद से ही क्लोजेस द बुक एंड नेवर बिहेव्स दैट वे. तो ये अम्मा ने हमको कहानी सुनाई तो वी ऑलवेज रिमेम्बर दैट. Not to, you know, we were not like that in that was not like that. लेकिन हम, you know, it was a very, तो ज़माने में ना ऐसी कहावतें, हिकायतें, कहानियाँ सुनाके सबक दिया जाता था, you know, there was no like videos and all that kind of stuff, you know. तो अम्मा को न सिर्फ ये कहानी ऐसी याद थी, मज़हबी कहानियाँ भी बहुत याद थी. और अम्मा वो बहुत नाते वगैरह कितनी पढ़ते थे ना. हाँ, गाते थे वो. हाँ, तो अक्सर ये जो पहले वो ये मिलादो की इसकी उसकी प्रोग्राम होते थे तो अम्मा को खास बुलाया जाता. अच्छा, मिलादो पे जाते थे. हाँ, जाते थे पढ़ते थे. और आई एम दिस थिंग विटनेस फॉर दैट बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट. तो अम्मा मुझे हर जगह ले जाती थी. तो वो मैं क्या करूँ, जैसे यार हमसे थोड़ी बड़ी सोफिया के जीती, पढ़ना करना तो आता नहीं था उस जमाने में ये सब, और ना समझ आती थी. तो वहाँ खेलते खेलते अम्मा की मांडी पे सड़क के ले जाऊंगी ना, और अम्मा जलेबी कब मिलेगी. आखिर में सब पढ़ पढ़ा के वो जलेबी तकसीम करते थे ना. तो जलेबी का एंड देन द मोमेंट जब उनसे सलाम फिर ये करो और कहते खुशी से तो आई बीन टू मेनी ऑफ दोस थिंग्स विद अम्मा यू नो. सो शी वाज कंसीडर्ड वेरी लाइक अ पायस लेडी यू नो एंड शी वाज. आई विल गिव माय यू नो एनीथिंग टू से दैट. या बहुत स्वीट लेडी थी एंड दैट स्वीटनेस वाज इन योर फादर यू नो. विनायत ने बहुत किया है ना. आखिर में जब उनका वीकनेस जो बढ़ गया था अम्मा का तो उनके से हाथ कांपते थे. वो मैंने वालों तक नहीं जाता था तो फिर विनायत बैठ के खिलाते थे वो ब्रेड को दूध में गीला करके सालन में गीला कर. और बहुत उनका किया. बेडसोर की ड्रेसिंग तो हम लोग ही दोनों मिल के करते थे ना. तो हाँ, अपने दादा वहाँ पे तो हॉस्पिटल. अच्छा, हॉस्पिटल में या घर पे? आके गाड़ी में डालना फिर हॉस्पिटल में लेके जाते. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, शी डाइड इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में तक. अच्छा, हॉस्पिटल में. अच्छा, इतना अच्छे से याद है वो. लेकिन उनको हॉस्पिटल ही लेके जाते थे, कहीं पे भी लेके जाते थे ना हम लोग. तो वो आपको याद है अफशा के वक्त से करते थे कि वो ब्रिज से नीचे उतरते थे सब हू करते थे. तो अम्मा उस कंडीशन में हू करते थे. वो अफशा को ना वो ब्रिज से उतर मैं बता रही थी कि वहाँ पे एक आइसक्रीम की दुकान थी 32 फ्लेवर्स कहलाती थी. आई डोंट नो अभी क्या है वो ना. तो वो बस वो जैसे वहाँ गुजरो ना तो वो बोलती थी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए. तो हम उसको उस वक्त बहलाते फुसलाते थे कि वो शी शुड रिमेम्बर कि वहाँ आइसक्रीम है बिकॉज रोटी थी वो ना. तो जैसे जैसे तो हम उसको करते थे. तो अम्मा को उस यानी कि बेहोशी में भी वो याद था. और वन शी पास बेहोशी तो नहीं थी, जबान बंद हो गई थी, बात नहीं करते. लेकिन होश में थे, देखते करते थे सब ना. स्ट्रोक हो चुका था ना. स्ट्रोक हो चुका था. So how long did he क्या इसका थे इनकी how long did she live? 80 मार्च या अप्रैल में स्ट्रोक हुआ और दिसंबर में she passed away. So how? नहीं 80. How old was she? Age कितना बोल रहे हैं? Age passport तो है मेरे पास, मैं देख के कर सकता हूँ अगर वो सही date of birth है. हाँ, माँ की तो सही होगी. Passport है. हाँ, no more than 72. अच्छा. नहीं पता क्या है. तो अब अबू की age क्या थी? अबू की 70 थी. अब वो भी 70 71 हुए. अच्छा. तो उनकी इनायत की जो असल डेट ऑफ बर्थ है इस 1942 तो उसी के लास्ट से मैं बता रही हूँ कि 71 होते हैं. 71 72. अच्छा. 13 में डेथ थी ना बट किसमें. 2013.
और वो तो बल्कि अभी कहते हैं कि वो उनकी जॉब की तरफ से ही वाज स्टिल अलाउड टू गो हैव अ चेकअप डन इन इंग्लैंड. तो वो वहाँ करके वो जब ट्रिपोली में जॉब करते थे ना तो वो इंश्योरेंस के थ्रू वो अभी तक अलाउड था उनका, तो वहाँ चेकअप भी करा के आए थे. तो एवरीथिंग वाज गुड. या आमिर कुछ बताते हैं, उनको कुछ याद है क्या हुआ, कैसे एकदम से अटैक आया उनको? पहले से तबीयत कुछ खराब रहती थी, कोई दवा ले रहे थे वो ब्लड प्रेशर वगैरह कभी पूछना चाहिए हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाएं वगैरह ले रहे थे क्या? पहले कुछ हुआ था क्या अटैक अटैक? क्या बोले उनका भी लिवर सिरोसिस था. अच्छा इस वही लिवर कैंसर ही था बट नॉट पैनक्रियाटिक कैंसर, इट वाज डायरेक्ट इन हिज लिवर. या उनको तो वो ना हेपेटाइटिस बी ना. हाँ उनको उन्होंने बहुत साल पहले कोई सर्जरी कराई थी तो उनको ब्लड दिया गया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन से. अच्छा हिस्टेरेक्टमी कराई थी तो उससे फिर वो उस जमाने में तो वो हेपेटाइटिस सी का चेकिंग नहीं होता तो वो बाद में इतने सालों के बाद उसका वो हुआ. और होगा भी उनके उसमें स्लोली तो किसी को पता नहीं चला टिल इट वाज द एंड यू नो. तो उनको लिवर लाइक कैंसर भी था और क्या था उनको? कुछ नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. और फिर the only treatment for her was liver transplant. और जफर चाचाजान को ही पास हुआ फ्रॉम हार्ट अटैक राइट? मैसिव हार्ट अटैक. हाँ. और एंड देन अबू पास अबू वाज फ्रॉम पैनक्रियाटिक कैंसर. या सही है. और व्हाट अबाउट लाइक दादी एंड दादा? Daddy died of stroke. Stroke. Huh. Oh, that's right. Yes, yeah, stroke. And Dada died of like old age. You know, old age. Haan, bimariya, pet ke. So he probably lived a long, long life, like 80 or something? 81, yeah. 81? Huh. Oh, wow, mashallah. That's right. There was some ki in Abba ki date of birth 1918 thi, shayad. No, earlier than that. He died in born earlier than that. Achha. वो कब गुजरे, कौन से साल गुजरे? ये अफशानीसा पैदा, अनीसा पैदा भी थी 82 में, 81 में. हाँ 81 में ना अब्बा गुजरे ना. हाँ मैं वही थी. हाँ तो अगर तो 81 में पैदा हुए तो वो 81 तो वो तो फिर 19000 के 1900 के पैदाइशी होगी. अच्छा. Oh my God. Yeah. And I think Amma was 1915, if I'm not mistaken. Amma ki shayad 15 ki hai. Haan. Amma ki 15 ki hai. To unke age mein 15. To 82 mein guzre to kitne hue 1915 se 82? 15 na? To 82 mein se kitna nikal raha? 45, 55, 65, 75, 85. 82 mein 70 years hote. 67 हमारे फैमिली किसको वो भी था ना, कुछ मेंटल भी था ना इशू. कौन था? वर्दा. हाँ, वर्दा का भी एक क्या था? नानी का नानी का तो हार्ट अटैक नहीं, नानी क्या था? हाँ, हाँ, वो तो हार्ट अटैक. हार्ट अटैक. और नाना का? नाना बीमार रहते थे और फिर उनको निमोनिया हो गया था लंग का. अच्छा. तो उनकी एज क्या थी नाना नानी की? वही 75-72 ऐसे कुछ थी दोनों की. अच्छा अच्छा. तो हमारा एवरेज 70 थे. तो कितने साल रह गए? हमारे यहाँ पे सब कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 63 ना. Yeah. तो बोले एनीथिंग अबाउट दैट इज बोनस. नहीं लेकिन उनको तो पॉइजन दिया हुआ था ना जिसकी वजह से वो कौन प्रॉफिट को कुछ किसी ने पॉइजन दिया था. हाँ कुछ पॉइजन का भी था कुछ.
तुम्हारा तुमने अपना दीन जो तुमको दिया गया था सपोर्ट किया गया था मिशन वो पूरा कर लिया नाउ गेट रेडी टू तो अगर वो देते तो फिर तो ये नहीं कहते ना एकदम से नहीं हुआ लाइक इट वाज लाइक स्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट्स व्हिच पर ऑब्वियसली उनका टाइम जो था वो टाइम था टाइम पे ही हुआ बट उसको एम्फसाइज नहीं किया गया है ना मतलब नहीं उनको एम्फसाइज नहीं किया बस एक जनरल इंफॉर्मेशन थी या तो अच्छा बस बस हिस्ट्री माशाल्लाह आपकी शादी पहले हुई थी मम्मी से हां आपने कहा कि हमारी जो दादी थी वो अंकलेश्वर से थे गुजरात से दादा कहाँ से थे पुणे से नहीं वो भी वहीं के थे वो सूरत के थे ओके एंड दादा के जो पेरेंट्स थे सर अली मोहम्मद खान दहलवी और उनकी जो वाइफ थी दे वर आल्सो इन सूरत नो तो हमारी दादी दक्कन की थी दैट्स पूना राइट नो दैट्स दक्कन इज वन द दक्कन ना दक्कन में देख रहा था वे रत्नागिरी सब वहां के हां महाराष्ट्र ही हुआ महाराष्ट्र हुआ ना हां महाराष्ट्र ही हुआ अच्छा और दादा जो थे वो अगेन ही वाज फ्रॉम सूरत सूरत ओके ओके कि वही मैं ऐसे देख रहा था डेक्कन डेक्कन किधर है तो वो आई थिंक पुणे लिखा हुआ था पुणे पुणे में पुणे में सुनो ये सारे डिलीट करके डालना अगर डालोगे कहीं तो डालो ही मत भाई रखो बस रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं है इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन है कभी किसी के से डिस्कस हो तो देख के तो बोला ऐसा था वैसा था क्योंकि हम लोग हंसी मजाक भी बहुत किए इसके नहीं और नहीं जरूरी नहीं है हां 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 नहीं सही ओके देन इट इन्वॉल्व्स ऑल द अदर हां फैमिलीज जो नहीं पसंद करेंगे स्टोरी क्यों डालेंगे करके आई विल मेक इट प्राइवेट या देखें आपने क्या कहा देखें क्या है रत्नागिरी रत्नागिरी वो मिल गया क्या डेक्कन काउंटी रत्नागिरी महाराष्ट्र इंडिया वो आलिशा बाबा का मिल गया क्या है उसमें गूगल पे था गूगल पे आलिशा बाबा हाँ अच्छा तो ये अच्छा डेक्कन इधर है पानी के पास हाँ पानी इसीलिए वो लोग को वो स्टीमर चलते थे उनके ना अच्छा इसलिए वो कॉपी में यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ लेके पानी के पास पानी के पास वो बोलते थे नहीं वो भी उधर ही है सितारों का घर है पानी के पास घर है वो आका का भी अबू था ना अबू यहाँ पे था अबू जब अबू जो राजधानी सो गए शुरू तो सनी कहते हैं यहाँ पर लेके चल मुझे पानी के पास है मेरा पानी करीब है यहाँ पे चल चलते तब को लेकर गया पानी के पास अबू को बस वो निकाला था दिमाग से कि हम लोग वहाँ पे नहीं है That's why I wanted like चलो let's go इससे बेहतर कि वो खुद निकले अकेले तो अबू को let's go तो अबू गाड़ी में लेकर गया मैं बोला यहाँ पे पानी है कहाँ यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं तो अबू फिर आगे चले गए तो अबू बोला नहीं शायद हाँ यहाँ पे शायद नहीं है लेकिन तो अबू को फिर खुद एहसास हुआ लेकिन क्या था उनका उनको फिर याद आती थी पुरानी जगह रात का भी एक फोटो है उसके साथ में एक और कोई कोई बाबा का कोई वो है उसके बाजू में जो घर है वो तो नहीं है हाँ वो ही हवेली जो है ना नहीं हाँ तो ये किसकी हवेली थी वो नासर साहब की ना अच्छा कुछ भी नहीं वहीं पे तो आप लोग जाके रुकते थे अम्मा और बच्चे ना सारे
आपने बंद किया है ये बेटा? नहीं चलता है, चलता है। हम हजरत शमसुद्दीन बावाज दरगाह उसके करीब में है। करीब में शमसुद्दीन बावाज दरगाह। अरे सनी वहाँ पे वो भी है अलबैग चिकन शर्मा। अच्छा हाँ, चलते हैं यहाँ पे। देखो अलबैग चिकन शर्मा चलो। हाँ गैलेक्सी बेकरी, मुझे तो वो भी नजर आया था। वो नहर कहाँ है वो बता। हाँ दरगाह की ऊपर ऊपर ये तो एक ये वो है लेक है। हाँ नहर मतलब लेक। हाँ लेक। हाँ नहर एक रिवर भी है ऊपर, ये रिवर है। हाँ 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 सही बोलते थे बेचारे यार, वो दरिया के पास मेरे रिश्तेदार का घर है। वही मैं अभी सनी से कह रही थी कि अल्जाइमर वालों को पुरानी बातें बहुत याद आ जाती हैं। वहाँ पे कागजीबाद मस्जिद है, कागजीबाद जमात खाना है, गोशिया मस्जिद, मदीना मस्जिद, गौसिया दारुल उलूम मरकजी कहाँ पर है? उधर ही सब वो अम्मा के कौन लगते थे? वो नहीं पता मुझे कौन लगते थे, लेकिन वो शिजरे में हम पता कर सकते हैं कि किसके किससे जाके लिंक कर रहे हैं ना। तो फिर अम्मा से तो लिंक होगा ना, अगर है ना अम्मा के जो अब्बा जो हुसनुद्दीन थे, हुसनुद्दीन नाम हुसनुद्दीन थे वो जैसा लास्ट नेम रागिनी मल्टीप्लेक्स। और फिर उससे पहले कौन कौन थे तो चलो ये देखेंगे। हां ये रिलेशन क्या था वो क्या हम कहां थे नहीं इधर है, लेकिन इजाज़ से लोगों को सब पता होगा वो हिस्ट्री ना, क्योंकि वो उधर ही रहे हैं ना। जाना पड़ेगा हम लोग अपने देश पर, चलो ट्रिप बनाएंगे हम लोग। इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना, अगर पाकिस्तानी को वीजा चाहिए तो हनुमान वादी इंडिया से कोई गजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए है, और इंडिया से किसी ने लिख के देना चाहिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इनको जानता हूँ, इनको आने दो। हाँ, ताकि वो जो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसा है जानते हैं। ठीक है, एक आदमी है दे रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार मुझे आने दो, एक सर्टिफिकेट बनाता है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट को गजेटेड ऑफिसर साइन करता है कि हाँ हम इस आदमी को जानते हैं। ठीक है, अब होता ही है कि पाकिस्तानियों के वास्ते कोई साइन नहीं करता, कोई नहीं करता। शमी आंटी का इतना प्रॉब्लम होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे नहीं क्या बोलते हैं उसको, अपन ले जाते हैं वो कराने के लिए साइन अटेस्टेशन करवाना। हाँ, लेकिन देयर इज अ वर्ड ना फॉर इट, नोटराइज। नोटराइज जैसे ही कह रही ना, गजेटेड ऑफिसर का इतना नोटराइज। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओह दैट्स गुड, गुड ब्लास्ट इन द पास्ट। No, I'm sure if she tries, कभी ना कभी तो देंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या चीज? कभी तो देंगे वीजा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा। हजरत से कांग्रेस खत्म हो जाएगी ना, मोदी अगर जाता है कांग्रेस आती है तो फिर इजी हो जाएगा। ये कुछ ये मोदी था बहुत, क्या कितना कभी निकलेंगे लोग मोदी वगैरह नेक्स्ट इलेक्शन अगर भी चलते। व्हेन इज दैट, लाइक सून और
ऐसा होना चाहिए कि वो यूपी उधर से सब जगह से निकलना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हिंदुत्व हिंदुत्व होके चलो ओके बंद करते हैं अभी। ओके अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, देख रहा है कहा सुना, माफ करना प्लीज, देखें मुझे भी माफ कर दीजिए, अब वो देख रहा सही। ओके अल्लाह, ये खुद ही कर, सही।